हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम आज पढ़ेंगे। ऐसे हम लोगों ने 12th स्टार्ट कर रखी है, 12th का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी मतलब कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने वो पर्टिकुलर स्पेस जो है घेर रखा है, उसे हम बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। मतलब कि आपको एक डब्बा दे दिया किसी ने, ये डब्बा आपको दे दिया किसी ने और कह दिया कि आप इसे भरो, ठीक है, तो आप कितनी इफिशियंटली इसके अंदर लड्डू या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मान लेती हूँ वो भरते हो आप, ठीक है, कितने ढंग से आप इसके अंदर भरते हो उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, या मैं बोलूं मिठाई के लड्डू, कितने तरीके से आप भरते हो, कितने अच्छी तरीके से यूज करते हो और कितना स्पेस आप यूज कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने डायग्राम बना लिया पूरा, ठीक है। अब आप देखिए ये पूरा डब्बा तो क्या हुआ, स्पेस क्रिस्टल, जितना हमें स्पेस दिया था ये पूरा डब्बा क्या हुआ, क्रिस्टल सिस्टम, क्या हुआ, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। ये हमारे हो गए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आई बात समझ में। अब हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम ही है या पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी हम बोल रहे हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है कितने हैं, टोटल जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्होंने सारा स्पेस तो नहीं घेरा हुआ ना। आप देखो बीच बीच में, देखो ये स्पेस बच रहा, ये स्पेस बच रहा, बीच बीच में स्पेस बच रहा है ना, सारा स्पेस तो ये नहीं घेर पाए, तो ये कितना स्पेस घेर पाए, मतलब कि कितना तो इनको स्पेस दिया था यानी गिवन है और कितना ये ऑक्यूपाइड कर पाए, यानी कितना ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स घेर पाए स्पेस, उसे हम क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि कितना तो आपको स्पेस दे रखा था और कितना जो है आपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से उस स्पेस को घेर लिया है, उसे हम क्या बोलेंगे, जितना स्पेस आपके द्वारा घेरा गया या जितना स्पेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू घेरा गया है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस क्षमता को हम क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग क्षमता, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपको इसका जो है एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका पैकिंग इफिशियंसी का, कि वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या वॉल्यूम है या एटम मान लो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जितना वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वो पर्टिकुलर स्पेस में कितना स्पेस दिया गया है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड लिखो आप यहाँ पे, कितना वॉल्यूम घेरा गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बात आई समझ में, कितना वॉल्यूम तो दिया गया था, कितना वॉल्यूम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने घेरा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितना तो स्पेस दिया गया था, कितना उसने घेरा और मल्टीप्लाई बाय 100 करके पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी, पैकिंग क्षमता आ जाएगी। पैकिंग क्षमता का मतलब क्या है कि कितना पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने स्पेस घेरा है। आप ये देखो ना, ये स्पेस बचा है ना, पूरा तो नहीं घेरा, तो हमें क्या पता लगाना है कि इन एटम्स ने या इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कितना स्पेस घेर रखा है इस क्रिस्टल में, और हम जब ये पता लगा लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी पैकिंग इफिशियंसी पता चल जाएगी, पैकिंग क्षमता पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे ही जो है वन बाय वन सारे यूनिट सेल हम निकालेंगे क्यूबिक के लिए, क्यूबिक यूनिट सेल के, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए हम लोग निकालेंगे। उसमें तीन आते हैं, सिंपल यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड और तीसरा बॉडी सेंटर्ड। तो हम तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे क्या, पैकिंग इफिशियंसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैकिंग इफिशियंसी निकालना। फॉर्मूला ये आप ध्यान रखिएगा, या मैं एक काम करती हूँ, फॉर्मूला एक बार ऊपर मैं लिख देती हूँ ताकि जब जब हम निकाले ना तो आपको पता चले, या फिर एक साथ ही लिखूंगी मैं। पहला हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या निकाल रहे हैं, पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं डायग्राम बताती हूँ। सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं, ठीक है। हमें तीन चार बातें ध्यान में होनी चाहिए इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए। पहली बात,
कॉर्नर्स पर होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कितने एटम होते हैं, टोटल कितने एटम होते हैं, याद है ना मैंने पिछली क्लास से बताया था आपको कि एटम कितना, पर यूनिट एटम कितने होते हैं। तो सिंपल यूनिट में कितना आया था, एक, याद है ना, एक एटम आए थे। क्योंकि कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं 8, और एक कॉर्नर पर कितना ऑक्यूपाइड करता है, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। यहां पर एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। तो इस कॉर्नर पर जो ऑक्यूपाइड कर रहा है वो 1/8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर रहा है। तो पूरे पे कितना करेगा, 8 × 1/8, यानी ये कितना हो गया, 1 के बराबर। समझ में आ गई, ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। एटम कितना है, 1। और ध्यान रखिए एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल यानी गोल होता है, गोल। और गोल का यानी स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 πr³। बात समझ में आ रही है, मैं जो जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट आएगी ना मैं सब कुछ लिखती जा रही हूँ, ठीक है। स्फेयर कितना है, वॉल्यूम कितना होता है इसका, 4/3 πr³, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a³। क्या होता है, कितना होता है क्यूब का वॉल्यूम, a³। जो जरूरत पड़ेगी चीजें लिखती जा रही हूँ। और पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन बताया था, रिलेशन किसके बीच में, a और r के बीच में रिलेशन। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, 2r। क्या होता है, 2r, या फिर मैं कह दू r इज इक्वल टू a बाय 2, यही होता है। जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है मैं साइड में लिखती जा रही हूँ। कॉर्नर्स पे होता है, ठीक है। एटम कितने होते हैं, 1। एटम कैसा होता है, स्फेयर, उसका वॉल्यूम पता चल गया। क्यूब कैसा होता है, क्यूब की वॉल्यूम a³, a की वैल्यू और r की वैल्यू। इतनी चीजें आपको काफी है इसकी पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पैकिंग इफिशियंसी निकालना। फॉर्मूला क्या है पैकिंग इफिशियंसी का, क्या है फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टेंट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इधर 100। यही होता है, यही फॉर्मूला है, लगा ले। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अब आप कहोगे मैडम कैसे यूज करोगे, तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टेंट पार्टिकल्स, तो कितने एटम है टोटल, एक ही एटम है। सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक ही एटम होता है। और एक एटम वो कैसा है, स्फेरिकल, स्फेरिकल है। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, 4/3 πr³। तो एटम तो होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय उस आइटम का वॉल्यूम 4/3, आयतन कितना है πr³। इधर मल्टीप्लाई में 100 भी लिखेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला 100 का है। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कैसी है, यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक, तो वॉल्यूम होगा 1³। देखो यहाँ पर हमने कट कर दिया सारा इसको, देखिए 3.14 बचा, पाई की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर, 3.14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 50, बस यही बचा। और साथ में यहाँ पर बचा 2, क्योंकि यहाँ पर कट गया था। तो ये क्या हो गया, 3 × 2 = 6, इसको मिला के मैं 6 लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 52.36% आ जाएंगे, पता ना, क्योंकि 100 लगते ही परसेंटेज हो जाता है। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी आ गई, 52.36। इसको हम जॉइंट में 52.4 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 52.4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6 से बड़ा है ना, तो ये भी आ सकता है। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी आई इसकी, 52.4%। मतलब सिंपल यूनिट सेल में कितने क्रिस्टल्स इसके अंदर ऑक्यूपाइड होते हैं, 52.4%, ठीक है। ये इतना जायज भी है, क्यों, इतना होता भी है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो ये सिर्फ लगभग आधी जगह ही घेरते हैं। मतलब कितनी घेर रहे हैं, 52.4%। मतलब सिंपल यूनिट सेल में कितनी जगह घिरती है टोटल, 52.4%। और आप दिमाग भी लगा सकते हो कि ओनली कॉर्नर्स पर ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो मतलब ये जगह भी कितनी घेरते होंगे, आधी घेरते होंगे, मतलब 52.4%। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का देखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका हमें क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी। क्या निकालनी है? पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। पहले पहले पॉइंट आप देखो, पैकिंग इफिशियंसी, फेस सेंटर्ड कौन सा होता है, जिसके पहले जो जो बातें हमें काम में आएगी वो हम लिख लेते हैं। कॉर्नर्स पर होते हैं एटम्स, एंड कहां पर होते हैं, फेसेस पर होते हैं। बात आई समझ में? दूसरा, एटम्स कितने होते हैं, टोटल एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं, कितने होते हैं टोटल, फोर। याद है ना फोर कैसे होते हैं, बताती हूँ, एक बार बता भी चुकी हूँ मैं आपको, एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, इधर कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, साथ ही कहाँ होते हैं, फेसेस पे भी होते हैं, यहाँ यहाँ इधर, इस फेस पे, इधर, और टोटल कितने हो गए, छह फेसेस हो गए। तो कॉर्नर्स पर तो हमें पता है एक एटम होता है टोटल, और फेसेस पे कितने होते हैं, दो, क्योंकि इसका आधा हिस्सा अंदर और आधा हिस्सा बाहर होता है। तो एक फेस में जब आधा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो छह फेसेस में कितने होंगे, तीन, और तीन, और पहले कॉर्नर के थ्रू एक, कॉर्नर के थ्रू एक, और फेसेस के थ्रू कितने, तीन, तो टोटल कितने हो गए, फोर हो गए। ठीक है, तो हमें पता चल गया स्फीयर का फॉर्मूला, हमें पता ही है कितना होता है, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, क्यूब का हमें पता ही होता है क्या है, ए क्यूब, ये भी क्या है, वॉल्यूम है। आगे बात समझ में, इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और, ए और आर का रिलेशन, ए या मैं आर में निकाल देती हूँ, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू ए बाय टू रूट टू होता है, ए बाय टू रूट टू। ठीक है, आगे समझ में, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब डालें वीडियो, अब डालें इसके अंदर वैल्यू सारी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल कितने हैं, फोर, मतलब एटम्स कितने हैं, फोर, मल्टीप्लाई बाय, जब एक का, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, देखो जब एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, ये होता है, तो चार का कितना होगा, चार मल्टीप्लाई बाय फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसको स्मॉल लिख देती हूँ, बताइए आपको, मल्टीप्लाई बाय 100, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब। आई बात समझ में? अब इधर देखो, आर की जगह मैं ए की वैल्यू रख दू, फोर, फोर और फोर मल्टीप्लाई करके, ये फोर और ये फोर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 16 बाय 3 पाई, आर की जगह मैंने रख दी ए बाय टू रूट टू की वैल्यू, तो ए क्यूब और टू रूट टू का क्यूब, टू रूट टू का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 और ए क्यूब, इस ए क्यूब से ये ए क्यूब गया गया, ठीक है, गया। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको इधर साफ करके ऊपर इसकी कैलकुलेशन बना देती हूँ, ठीक है, ऊपर करते हैं ताकि आपको ढंग से दिख जाए। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या क्या आया, 16 बाय 3 पाई की वैल्यू लिख दी मैंने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे क्या क्या आया, नीचे आया टू रूट टू का क्यूब है, तो और सरल कर देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट,
8 टू द 16, तो टोटल यहाँ पर हो गया 16 रूट टू। आई क्या बात समझ में? जब हम 2 रूट टू का क्यूब करेंगे, इधर देखो 2 रूट टू का क्यूब करेंगे, तो पहले तो हम देखो ऐसे लिख देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको, 2 टू द 4, 4 टू द 8 मल्टीप्लाई बाय इस रूट टू को करूंगी तो 2 आएगा और ये रूट टू ऐसे ही बच जाएगा, तो 8 दूनी 16 और ये रूट टू। आई बात समझ में? बात समझ में आई? 16 रूट टू आया, बात समझ में आई कैसे आया? देख लो एक बार, ठीक तो मिटा देती हूँ भाई कंफ्यूजन और ना। इस 16 से ये 16 कटा, ठीक। अब देखो क्या बचा है, अब बचा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 रूट टू। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.41। क्या होती है रूट टू की वैल्यू? 1.41। रख दो इसके अंदर, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 74%। तो कितनी हो गई पैकिंग एफिशिएंसी? 74%। कितनी हो गई? 74%। आई बात समझ में? आई क्या? तो 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। ये हमने निकाली थी फेस सेंटर्ड की, अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। क्या निकाल रहे हैं हम? पैकिंग एफिशिएंसी किसकी? बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं। हमने सिंपल की निकाल ली, सिंपल की कितनी थी? 52.4। और अभी फेस सेंटर्ड की कितनी निकली है? 74%। तो देखते हैं बॉडी सेंटर्ड की कितनी निकलती है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता क्या है? यूनिट सेल का मतलब जहां पर कॉर्नर्स पर हो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स एंड इन द बॉडी, यहां पर हो बॉडी के अंदर हो। टोटल एटम्स बोल दू मैं, या मैं बोल दू कंसिस्टेंट पार्टिकल्स कितने होते हैं? 2। कैसे होते हैं डायग्राम बताती हूँ। कॉर्नर्स पर होता है एटम्स, और कहाँ होता है? बॉडी के अंदर, बीचों बीच बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर एक पूरा, कॉर्नर्स पर भी एक होता है, पता ना, टोटल मिला के एक होता है, तो 2 हो गए, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? स्फीयर का फॉर्मूला। क्या होता है स्फीयर का फॉर्मूला? 4/3 πr³। वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्यूब का कितना होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? a³। और क्या चाहिए? एज और रेडियस में अंतर, सॉरी इसमें रिलेशन। तो क्या होता है r = √3/4a, ये इसका रिलेशन होता है। r में मैंने निकाल दिया ताकि हमें इजी पड़े, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, पैकिंग एफिशिएंसी का। क्या होता है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंसिस्टेंट पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है। बात आई समझ में? अब हमें कुछ नहीं करना। देखो आपने जब है ना इसकी ये एज लेंथ और रेडियस के बीच में जब अंतर निकाला था ना, तब उसके बाद सब चीजें इजी हो जाती हैं। इसलिए मैंने आपको वो क्लास में सिर्फ सबके एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन बताया था ताकि सारी चीजें इजी हो जाए। तो देखो अब रखते हैं वैल्यू, रखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सीपी। कितने वॉल्यूम है पहले तो ये देखो कि टोटल स्फीयर कितने हैं, टोटल कितने एटम्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड करेंगे? 2 ही करेंगे, फेस में 4 कर रहे थे और सिंपल में 1 कर रहा था, इसमें कितने करेंगे? 2 लिख दिया। अब 1 का वॉल्यूम जो है 4/3 r³ है, 1 का वॉल्यूम 4/3 r³ है, तो 2 का कितना होगा? 2 × 4/3 πr³ अपॉन, ये मल्टीप्लाई में 100 और कर देते हैं, अपॉन क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी क्यूब का वॉल्यूम, ये क्यूब ही है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 1 क्यूब। खत्म कहानी,
अब क्या करना, आर की जगह एक ही वैल्यू रख दो। किताब में आपकी एक ही जगह आर की वैल्यू रखी है, आप आर की जगह रख दो, बात देखिए। तो टू पहले तो टू फोर जा एट, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर क्यूब, इस आर की जगह वैल्यू रखनी है तो आर इज इक्वल टू कहाँ गया, ये ना रूट थ्री बाय फोर है, तो रूट थ्री बाय फोर का क्यूब ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, और नीचे आया ए क्यूब, इस ए क्यूब से ये ए क्यूब कट गया, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चले एट बाय थ्री, पाई की वैल्यू रख देती हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अगर रूट थ्री का क्यूब निकालूंगी तो कितना आएगा, थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, पता है ना रूट थ्री का क्यूब कितना होता है, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, ये हो गया थ्री और ये बच गया रूट थ्री, इतना तो आता ही होगा है ना, टेंथ में पढ़ा है इलेवेंथ में पढ़ा है, तो थ्री रूट थ्री। अब नीचे फोर का क्यूब है, फोर का क्यूब कितना होता है 64, फोर का क्यूब कितना होता है 64, फोर इंटू फोर इंटू फोर और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस थ्री से ये थ्री कट गया, इस एट से 64 को काटेंगे तो आठ आठू 64, तो क्या निकल के आता है पैकिंग इफिशियंसी टोटल, जब सॉल्यूशन करोगे इन सबका क्या क्या रह गया, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में 8, इन चीजों को सॉल्यूशन करोगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा 68%। इतना सॉल्यूशन करना देखो आपका काम है, ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं करवाएंगे, आप ट्वेल्थ में आ चुके हो, ठीक है, ये इजी है, कट पिट करके हो जाएगा। रूट थ्री की वैल्यू बता देती हूँ कितनी होती है, 1.73 होती है, ठीक है, बात समझ में आई। इसको रूट थ्री की वैल्यू मैंने बता दी 1.73 है, आप ये वैल्यू इधर रखना और 68% आ जाएगा, ठीक है 68% आ जाएगा। अब मैं आपको यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 68%, ठीक है। तो चलो अब मैं फटाफट आपको समराइज करवा देती हूँ सारी चीजें, आपको समझ में आई गई होगी ये। अच्छा एक चीज और, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रैंक क्या होता है, रैंक, रैंक का मतलब होता है एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो रैंक का मतलब होता है एटम पर यूनिट सेल, ये मैंने बीच में आपको इसलिए बताया क्योंकि रैंक इज इक्वल टू एटम पर यूनिट सेल, जो कि अभी मैं आपको एक साथ बताती हूँ क्या क्या है। बात करते हैं यूनिट सेल की, बात करते हैं इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, एक साथ लिखा दूंगी, और रैंक कितनी है। रैंक का मतलब होता है एटम, बताया था ना एटम पर यूनिट सेल आपको, कि किसी भी एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, टोटल कितने एटम्स होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो देखो अभी मैं आपको एक बार एक साथ करवा देती हूँ ताकि दिक्कत ना आए। सिंपल में कितने होते हैं, सिंपल यूनिट सेल में कितने होते हैं, सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 52.4%, और रैंक कितनी थी, मतलब एटम पर यूनिट सेल कितने थे, एक था, इसी को ही रैंक बोलते हैं। मैंने आपको बताया इसका टेक्निकल टर्म जो है रैंक होता है, ठीक है, तो मुझे ध्यान में आया तो मेरे को लगा आपको बता देना चाहिए। बाकी एटम पर यूनिट हम निकाल चुके हैं ना पहले कि भाई कितने एटम होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, एक होता है, ठीक है। बात करें फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं 74%, 74% रैंक कितनी होती है, यानी एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, टोटल फोर होते हैं, पता है ये बात। बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितनी परसेंट होती है 68%, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 68%, और रैंक यानी एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, किसी भी यूनिट सेल में कितने टोटल एटम है, कितने एटम जो है टोटली पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व है, अरेंज है, तो उसे हम वो कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, रैंक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एटम पर यूनिट सेल। तो आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली है सबकी, है ना। ठीक है, सबकी पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, अब हमें सबकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है अच्छी तरीके से, सिंपल यूनिट सेल की 52.4,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की 74%, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की 68%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, रैंक का मतलब समझ में आ गया, एटम पर यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल की 1, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की 4 और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की 2। तो आपको समझ में आ गया इसी तरह चीजें। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम यही कंप्लीट करेंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।